2008 अहमदाबाद सीरीज बोमा विस्फोरण मामलें 38 जन को फांसी दंड 49 दोषी 38 जन को फांसी दंड सुनाई स्वतंत्र कोर्ट बाकी 11 जन को आजीवन कारा दंडादेश सुनाई कोर्ट सीरीज बोमा विस्फोरण में 69 जन मृत्यु होता जार वर्तमान बड़ खबर आसी पहुंचुच 2008 अहमदाबाद सीरीज बोमा विस्फोरण मामलें 38 जन को फांसी दंड दर्शा सुनाई स्वतंत्र कोर्ट 49 दोषी ऑनरेबल कोर्ट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से सर ये जो लाइफ सेंटेंस है वो अंटिल डेथ है। लाइफ सेंटेंस जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो लाइफ सेंटेंस की है वो अंटिल डेथ की है। वो जब तक ये लोग की ये सजा जो उनके अंतिम हाँ टिल लास्ट ब्रेक लास्ट ब्रेक अच्छा वो तो आईपीसी नहीं जे सेक्शनों में सजा करी जे कई दोष तुमने बताया सुधीर भाई हम एविडेंस ने पहला 32 सेक्शन हो गई बोलो अच्छा आज रोज नामदार कोर्टे आज कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 121 के तहत 10 इयर्स कन्विक्शन मैं जो बोल रहा हूँ वो सभी 49 एक्यूज को ये आईपीसी में कन्विक किया है अनलॉफुल एक्टिविटी सेक्शन आईपीसी 121 10 इयर्स एक्सप्लोज 124 लाइफ जी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट लाइफ 153A 3 ईयर अच्छी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 7A 10 ईयर પછી આઈપીસી 307 10 યર 326 10 યર 433 7 યર 436 10 યર 427 2 યર 463 2 યર 468 7 યર 471 7 યર્સ દેન અનલોફુલ એક્ટિવિટી મેં સેક્શન 13A 5 યર્સ સેક્શન 18 5 યર્સ સેક્શન 20 લાઈફ सेक्शन 23 5 ईयर्स सेक्शन 24 7 ईयर्स और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट की सेक्शन 3 के तहत सेक्शन 3 में लाइफ 7 ए में 10 ईयर 5 में 10 ईयर्स और 6 में 10 ईयर्स सर इसके अंदर क्या एविडेंस महत्वपूर्ण आता कि कोर्ट ने दिया और इसमें ने इंडियन मीडिया जो नेटवर्क અચ્છા આ જે કેસમાં છે એક તો આપ જાણો છો પ્રમાણે સાક્ષીઓના 164ના નિવેદન આ સિવાય એવિડન્સ એક્ટની કલમ 27 હેઠળના જુદા જુદા પંચનામા કરવામાં આવ્યા હતા જેમાં આરોપીઓએ પોતે કઈ જગ્યાએ મિટિંગ કરી હોય કઈ જગ્યાએ કાવતરું કર્યું હોય કઈ જગ્યાએ બીજી મિટિંગો કરી હોય કઈ જગ્યાએ પોતે એક્સપ્લોર કરવા માટે બોમ્બ પ્લાન્ટ કર્યા હોય तेज 2008 अहमदाबाद सीरीज बोमा विस्फोरण मामलें वर्तमान 38 जन को फांसी दंडादेश सुनाई स्वतंत्र कोर्ट 49 दोषी 38 जन को फांसी दंड सुनाई बाकी 11 जन को आजीवन कारा दंडादेश सुनाई कोर्ट सीरीज बोमा विस्फोरण में 56 रु ऊर्ध लोकर मृत्यु होता बेले अनेक एहत होते 200 रु अधिक आहत होता सूचना आस